नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत की हार का कारण कौन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हार गई है। मैच के चौथे दिन ही इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराकर अपना 1000वां टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है, काफी नजदीकी रहे। इस मुकाबले में एक समय भारत की जीत की संभावनाएं ज्यादा थीं, लेकिन दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली के आउट होते ही इंग्लैंड ने मैच पर अपना शिकंजा कस लिया और मैच अपने नाम कर लिया। एक टीम इंडिया की विराट पर निर्भरता। टीम इंडिया खासकर उसके बल्लेबाज पूरी तरह से विराट पर निर्भर नजर आए। दोनों पारियों में उनके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं चल सका। पहली पारी में भारत के 274 रनों के स्कोर में से 149 केवल विराट कोहली ने ही बनाए थे। दूसरी पारी में भी विराट ने 51 रन बनाए, जबकि बाकी शीर्ष 5 बल्लेबाजों में से कोई भी 13 रनों से ज्यादा रन नहीं बना सका। दो, भारत की कमजोर बल्लेबाजी। पहली पारी में भी एक समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर केवल 100 रन ही था। शिखर धवन ने 26 रन, हार्दिक पांड्या ने 22 रन, मुरली विजय ने 20 रन, अजिंक्य रहाणे ने 15 रन और रविचंद्रन अश्विन ने 10 रन बनाए थे। दूसरी पारी में भारत की आधी टीम केवल 78 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई थी। मुरली विजय 6 रन पर आउट हुए तो शिखर धवन, लोकेश राहुल और रविचंद्रन अश्विन भी 13 रनों का योगदान ही दे सके। अजिंक्य रहाणे केवल 2 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह से भारत की बल्लेबाजी विराट को छोड़कर पूरी तरह से नाकाम रही। 3, इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी। इस मैच में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर कई कैच गंवाने के बावजूद शानदार गेंदबाजी की और मौकों का भरपूर फायदा उठाया। पहली पारी में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट 4 विकेट सैम कुरैन ने लिए थे। वहीं जिम सैंडरसन, बेन स्टॉक्स और आदिल राशिद ने 2-2 विकेट लिए। इस तरह टीम इंडिया का पहली पारी का स्कोर 274 बना सकी, जिससे इंग्लैंड की टीम पहली पारी के 287 रन बनाने के बावजूद 13 रन की अहमियत ढक लेने में कामयाब रही। वहीं दूसरी पारी में जेम्स एंडरसन ने 2, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2, बेन स्टॉक्स ने 3, सैम कुरैन ने 1 और आदिल राशिद ने 2 विकेट लिए। 4, इंग्लैंड के सैम कुरैन का दोहरा प्रदर्शन। तीसरे दिन लंच तक की इस स्थिति में टीम इंडिया का पलड़ा भारी ही नजर आने लगा, जब लंच के तुरंत बाद इंग्लैंड का एक विकेट और गिर गया और इंग्लैंड का स्कोर 87 रनों पर 7 विकेट हो गया। लेकिन इसके बाद दो बार इंग्लैंड का वापसी करा चुके 20 साल के सैम कुरैन ने एक बार फिर टीम इंडिया की जीत को आसान करने से रोकते हुए शानदार अर्धशतक लगाते हुए 63 रनों की पारी खेली। कुरैन ने ब्रॉड के साथ 41 रनों की साझेदारी की। 5, नाजुक मौकों का फायदा न उठा पाना। टीम इंडिया कई मौकों को भुनाने में नाकाम रही। इसकी वजह उपरोक्त कारण भी रहे। इनमें स्लिप पर शिखर धवन ने जो सैम कुरैन का कैच छोड़ा था, वे यह सबसे खास रहा क्योंकि उस समय सैम कुरैन 13 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 63 रनों की पारी खेल डाली। इसके अलावा टीम इंडिया के बल्लेबाज भी 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में भी कोई खास फायदा नहीं उठा सके। उनके खेलने का तरीका वही रहा जो पहली पारी में था।